ये जो घेरे लगे हैं ना गोल गोल दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, ये एक नेचर का एक तरीका है बताने का कि अपने हदों में रहना हमें बहुत ज़रूरी है। मतलब दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया एक साथ बंद हो सकती है। लाइक किसी ने भी नहीं सोचा होगा यार, इट्स हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी चीज़ हो रही है हमारे साथ अभी। बट कुदरत के अपने तरीके हैं हर चीज़ बताने के। हाँ ये बात अलग है कि हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि वायरस जो है वो नेचुरल है या लैब मेड है, वो तो डिस्कशन चलती रहेगी। बट इस लॉकडाउन के दौरान जो अभी हम जी रहे हैं या जो भी अभी रिलैक्स भी हुआ है फिर भी, तो बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग गई हैं। आज 15 जून है 2020 की जब मैं शूट कर रहा हूँ। आज के टाइम पे इंडिया इज़ द 4th रैंक इन द कोरोना वायरस केसेस और काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा डर तो लगता है यार कि अगर हमारे परिवार में हमारे जानकार में किसी को हो गया तो क्या होगा। हाँ गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते हो। ऑब्वियसली अपना हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव कर सके रख सकते थे कि जब ये चीज़ें आएँ तो थोड़ी हेल्प हो जाए, बट वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट। अगर आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो वो भी गलत है, अगर आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो तो वो भी गलत है। ब्लेम करना तो दोनों को करो वरना जस्ट अवॉइड, क्योंकि इस टाइम पे ब्लेम गेम खेलने का कोई टाइम नहीं है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट क्योंकि उनको भी पता है यार कि लोग बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हॉस्पिटल्स आपके ओवरबुक चल रहे हैं, क्रिमिनेशन सेंटर्स हो गए आपके, आपके ग्रेवयार्ड्स हो गए, इतने ज़्यादा भारी मात्रा में डेड बॉडीज आ रही हैं। डर तो लगता है। पहले हम सोच रहे थे कि जब इटली में हुआ था और चाइना में शुरू हुआ था तो उस टाइम पे मुझे इतना डर नहीं लग रहा था कि क्या वायरस है, चाइना में नहीं बढ़ जाएगा, इटली में हुआ है इतना कुछ नहीं होगा। बट जब इटली में इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया तब थोड़ा डर लगा कि इंडिया में बढ़ेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है तो कैसे चलेगा यार। फिर मैंने कहा कि प्रिकॉशंस ले लेते हैं, प्रिकॉशंस लो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लेकर जाओ क्योंकि उसके बिना तो बाहर निकलना ही अब टेक्निकली इनलीगल है, तो वो लेकर जाओ, प्रिकॉशंस लो क्योंकि लास्ट में तो सबको हो जाना है, ये मेरा मानना है। चाहे एसिम्टोमेटिक हो चाहे सिम्टोमेटिक हो, चाहे अभी हो चाहे एक साल बाद हो, वो सबको होना है। या तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम इम्यून हो जाओ, या तुम्हें पता लगेगा तो एक डिसीजन निकलेगा कि तुम इम्यून हो रहे हो उससे रिकवर होके या नहीं हो रहे हो। बट लास्ट में मेरे हिसाब से सबको होना है। बट डर लगता है यार कि अगर हमारे परिवार में किसी को हो गया, हमारी फैमिली में किसी को हो गया तो कैसे चलेगा। वायरस के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर जिसके बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने वाला मैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर वीडियो फॉर द फ्यूचर मी कि भाई अभी जो हो रहा है अभी तो तुम सर्वाइव कर जाओगे होपफुली, बट आगे जाके वो गलतियाँ मत करना जो इस दौरान तुम समझ पाए हो कि क्या क्या चीज़ें हैं विच यू टेक फॉर ग्रांटेड। तो अब माइग्रेंट लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स की इतनी बुरी हालत चल रही है कि उनको ये डर है कि सिटीज़ के अंदर अब खाना नहीं मिलेगा, रहने का रेंट नहीं है उनको देने के लिए, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। दैट्स वाई दे आर गोइंग टूवर्ड देयर होम टाउन, होम विलेजेस। उस चक्कर में नहीं जा पा रहे किसी वजह से, सोनू सूद जैसे लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं जो टेक्निकली गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बट हाँ, तो वो माइग्रेंट लेबर्स की इतना दिक्कत चल रहा है। अब माइग्रेंट लेबर्स चले गए हैं विच इज़ द मैन पावर इन सिटीज़, अब सिटीज़ की मैन पावर चली गई है तो बिजनेसेस को इतना नुकसान हो रहा है, इतना दिक्कत दे रहा है कि जो उन पर डिपेंडेंट थे। हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमें बर्तन धोने हैं या साफ़ सफाई करनी है या खाना बनाना है, जो हमारे पहले मेड्स वगैरह करती थी अब वो नहीं है तो हमें खुद करना पड़ रहा है, तो हमें उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लग पा रहा है कि उनके बिना सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देम, जिनकी हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में। सो एक ये चीज़ है यार, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को ग्रांटेड लेना हमें बंद करना पड़ेगा अब।
मेंटली भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं यार, मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने, इट्स एट द राइज राइट नाउ. पीपल आर गेटिंग सैक फ्रॉम देयर जॉब्स, बिजनेसेस आर शटिंग डाउन एट रिकॉर्ड रेट, इकोनॉमी इज टेकिंग अ ह्यूज डिप. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो मेंटली, जो थोड़े डिप्रेशन से या एंगजाइटी से गुजरते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है टेक इन करने के लिए. अब अभी हमें कल ही पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत इज़ नो मोर बिकॉज ही कमिटेड सुसाइड. मे बी बिकॉज ऑफ, मे बी क्या, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. बट अब तुम पोस्ट डाल रहे हो, दैट इज़ गुड. बट ये एक दो दिन का है. अगर तुम डे टू डे रेगुलर लाइफ के अंदर भी लोगों से बात करो, अगर कोई तुम्हारे पास कोई आ रहा है और उसको तुम जज ना करो, अगर वो तुम्हें अपनी बातें बता रहा है, इट विल बी अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन. तुम मेंटल हेल्थ को थोड़ा या सीरियस लेना शुरू करना पड़ेगा. अगर किसी की ट्रेजिडी होती है उसके बाद तुम 2 दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, बट तुम रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उस पर काम नहीं कर रहे हो, किसी और के लिए भी और अपने लिए भी, तो इट्स हम मतलब इस फिर हम इस लॉकडाउन से कुछ सीख नहीं पाए. तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. इन चीज़ों के अलावा भी 2020 इज़ लुकिंग लाइक अ कर्स्ड ईयर, क्योंकि अभी अमेजोन फायर थी जनवरी के अंदर, उसके बाद दिल्ली में रायट्स हुए फेब के अंदर, फिर कोरोना वायरस आया मार्च के अंदर, फिर साइक्लोन्स वगैरह आने शुरू हुए अप्रैल मई में, फिर लोकस अटैक भी हुआ आपका वेस्ट इंडिया के अंदर जो दिल्ली में आना था बट आया नहीं हो थैंकफुली. और इतने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, पिछले 7 से 8 अर्थक्वेक्स एक महीने के अंदर आए हैं, चाहे थोड़े कम हो चाहे ज़्यादा हो. अभी कल गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी आया है. तो थोड़ा डर लगता है यार कि घर के अंदर भी नहीं बच पाएंगे, या घर के बाहर जाओ कोरोना वायरस. सो वॉट टू डू? सो वी कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट नेचर. नेचर से तो हम लड़ ही नहीं सकते हैं. सो ये सब जब चीज़ें हो रही हैं, माइक्रो लेवर्स के साथ हो रही है, या हम अपने घर में बैठ कर बात कर पा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, सो इस चीज़ से मुझे रियलाइज़ होता है कि यार वी आर सो प्रिविलेज्ड. वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट कि हमारे सर के ऊपर छत है कि नहीं है, और मतलब खाने को है कि नहीं है, कपड़े है कि नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है. अगर तुम अपने घर वालों के साथ हो तो जस्ट चेरिश दिस मोमेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं कि तुम अपने घर वालों के साथ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हो. अदरवाइज तो तुम सब अपनी लाइफ के अंदर ही बिजी हो. सो यू नो नेगेटिव्स बहुत हैं बट पॉजिटिव्स भी बहुत हैं अगर हम देखना चाहें तो. बट होता क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है, जब प्रॉब्लम्स होती है देन वी आर रेडी टू एडजस्ट. बट अब जैसे लॉकडाउन खुल गया है, पहले 2 महीने 2.5 महीने लॉकडाउन चला, अब थोड़ा रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ द इकॉनमी एज वेल, क्योंकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा खराब हालत में चल रही है, तो उस चक्कर में लॉकडाउन खोल दिया है. बट आई विल एडवाइज़ यू कि तुम सेल्फ लॉकडाउन में तो रह सकते हो, बट ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुल गया है तो वो हम सब भूल गए हैं जो हमें लर्निंग्स लग रही थी उस टाइम पे. सो वी डोंट हैव टू डू दैट. हमें वो चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं. अगर हमें इतना टाइम मिला है तो हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि यार अगर हमारे साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ फिर हम वो एडजस्ट करेंगे, इससे अच्छा हम पहले से ही ऐसा चले कि जब प्रॉब्लम्स आएँ तो वी आर रेडी टू फेस देम इन अ गुड मैनर, एज इन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. राइट नाउ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. कई लोग जॉब से भी निकाल दिए गए होंगे, तो उन लोगों को ये तो समझ आ गई होगी कि जब प्रॉब्लम आती है तो कंपनी सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को ही निकालेगी, एम्प्लॉयज़ पर ही होगा जो होगा. सो अपनी कंपनी के इतने सगे भी मत हो जाओ कि अपने सपनों को, अपने पैशंस को भूल जाओ. तो अब तुम्हें अगर मौका मिला है तो अपने पैशंस पे काम करो, अपने सपनों पे काम करो, जो तुम ऑब्वियसली कर भी रहे होगे क्योंकि इट्स नो ब्रेनर कि हमारे इतना फ्री टाइम है तो क्या करेंगे और. बट जॉब और मिल जाएगी, बट ज़िंदगी तो एक ही है ना. तो ये जो लर्निंग्स है ना, अगर हम इस चीज़ों को अपनी लाइफ में परमानेंटली अप्लाई कर दें तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग टू हैपन. कई चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, कई चीज़ें मैं पहले भी फॉलो कर रहा था, बट उसकी अहमियत मुझे अब और समझ आ गई है. तो मतलब पहले क्या होता था कि जैसे बर्तन के अंदर थोड़ा सा वो सर्फ रह जाता था तो थोड़ा गुस्सा आता था, यार क्या सफाई करती है ये बर्तनों की. बट जब खुद करा और फिर अगले दिन जब पता लगता है कि सर्फ रह गया है तो वो चीज़ें समझ आई है यार, इट्स दे आर ऑल्सो ह्यूमन ना. तो वो रह जाता है तो रह जाता है, थोड़ा धो के कर लो दोबारा, थोड़ा सफाई में थोड़ा रह जाता है तो क्या हो गया, कर लो. अब जब हम
बाहर जाते हैं रिक्शे वाला के साथ हम, या किसी भी फूड वेंडर के साथ, वेजिटेबल वेंडर के साथ हम मोल भाव करते हैं, तो वो अहमियत हमें उस पर आ रही है कि यार दे दो, क्या हो गया? अगर जायज़ पैसे मांग रहे तो दे दो, 500 रुपये बचा के क्या कर लोगे तुम? यार प्रिविलेज ना, वहाँ पास फ्री टाइम है इसलिए हम प्रिविलेज हैं, अभी हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है इस टाइम पे, उतनी नहीं है कम से कम जितनी जो माइग्रेंट लेबर्स के साथ हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। बट एनी वे, मतलब हम द पॉइंट ऑफ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि हम प्रिविलेज्ड हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। और जो जो चीज़ें हमें पता लग पा रही हैं इस लॉकडाउन के अंदर, वी हैव टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ्स परमानेंटली। हम चाहे तो हम असेंशियल चीज़ों पर भी ज़िंदा रह सकते हैं, ये तो हमें समझ आ चुका है, तो क्यों ना रहें? शो ऑफ के अंदर और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब है, जो मुझे समझ आई है ये चीज़ इस लॉकडाउन के अंदर। तो थोड़ा असेंशियल्स के ऊपर ही रहो, और बाकी चीज़ें जो हैं अवॉइड कर सकते हो तो करो। और ये जो हमारी वार्तालाप हुई, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक समराइज हो चुकी होगी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें रह भी गई होगी, सॉरी फॉर दैट, बट सारी समराइज कर दिया कि अभी 2-2.5 महीने के अंदर जो लाइफ ने टर्न अराउंड करा है 360 डिग्री, जो दोबारा भी खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल में नॉर्मल हो जाएगी प्रॉपर, में मास्क भी नहीं पहनने पड़ेंगे जब वैक्सीन आएगी। वैक्सीन का पता नहीं है, बट कई चीज़ें हैं जो हम अगर हम परमानेंटली अपनी लाइफ के अंदर चेंज कर लेना तो इट विल हेल्प अस अलॉट। तो बस इतना ही था इस वीडियो का पर्पस, और ये मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रख सकते हो कि जब ये सब खुल जाएगा तो हमें दोबारा वैसे नहीं करना जो हम लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस से पहले कर रहे थे। सो आई होप यू स्टे सेफ एंड हैव अ गुड लाइफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई होप वी सर्वाइव दिस पेंडेमिक अलाइव। टेक केयर।